है बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो लाइट आ नहीं रही है, ठीक है, और मैं इन्वर्टर पे अपना पीसी चला रहा हूँ भाई साहब। अभी के लिए 1 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद पूरा अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि लाइट आने वाली है नहीं इतनी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एमवीए बंटाई के बारे में, क्योंकि वो फीचर हुए हैं एक न्यूज़पेपर में। हाँ कि वो इंडियन न्यूज़पेपर है, लेकिन तो भी बहुत बड़ी बात है। और उसके अंदर वो बताते हैं कि जितने भी अमेरिकन रैपर्स हैं, जैसे लिल वेन हो गए वगैरह वगैरह, तो उनसे वो बहुत इंस्पायर हुए हैं। और भाई साहब उनसे जो इंस्पायर होकर वो इंडिया के अंदर टॉप रैपर के लिस्ट में आए हैं, तो भाई साहब वो उनको अपना गुरु मानते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके जल्दी से बताओ। साथ ही में जो रफ्तार है, उन्होंने अपनी स्टोरी पे हार्ट ब्रोकन इमोजी लगाया था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ऋषभ वाला सीन चल रहा है कलमकार के साथ, तो उसी के ऊपर ये वाली स्टोरी थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है रफ्तार की इन सब चीजों में, आप लोग बता दो कमेंट करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बादशाह अपने शो में, आप लोग को पता है वैसे भी कि बहुत सारे जो हेटर्स होते हैं वो किसी ना किसी को एक दूसरे को कहते रहते हैं कि ये तो टैलेंटलेस है। तो उसी के ऊपर वो बात की अपने शो के अंदर कि बिना टैलेंट के वो इतना ऊपर आ गए हैं। सोचो टैलेंट होता तो वो कहाँ होते। तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कलमकार ने कर्मा को अनफॉलो कर दिया है इंस्टा पे। बहुत सारे जो फैंस है कर्मा के वो थोड़े से नाखुश नजर आए, तो उसके ऊपर रील जो है वो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एमसी इंसेन की तरफ से जो उनका अपकमिंग वीडियो आने वाला है वो हाय रामा का आने वाला है 9 तारीख को, जो कि भाई साहब मेरा पर्सनल फेवरेट हो रखा है अभी के लिए। भाई साहब क्या ही चीज़ें लिखी गई हैं, और उसका जो वीडियो आने वाला है वो हम लोगों को 9 तारीख को देखने को मिलने वाला है। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं तुमसे ऐसी बेहतरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।